अकबर और बीरबल ये ऐसी जोड़ी है कि जब भी मन थोड़ा गुदगुदाने का होता है तो हम कोई ना कोई कहानी सुनने लगते हैं, वो इन दोनों के बीच की कुछ एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत फेमस है, लेकिन शायद ही आपने सुनी हो। दरअसल क्या है कि बादशाह अकबर के पूरे उस साम्राज्य में उनका जो जनान खाना था उसमें किन्नर बहुत थे, और उसमें से एक उनका मुंह लगा था। वो किन्नर उनके हंसी मजाक का कारण बनता था, लेकिन वो बहुत मुंहफट था और उसे बीरबल से बहुत जलन थी। वो हमेशा बीरबल के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता था। एक बार बादशाह अकबर उसके पास बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा, महाराज आप जबरदस्ती बीरबल को बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी घोषित किए हुए हैं। हाय हाय, बीरबल के अंदर कुछ नहीं है, ऐसे बोल बोल के अकबर को उकसा रहा था। तो अकबर ने कहा, अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं मान लिया, तो कैसे सिद्ध करेगा तू कि बीरबल जो है बुद्धिमान नहीं है? क्या बीरबल मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा कि वो बहुत बुद्धिमान है, दे दे। अकबर ने कौतूहल बस पूछा, कौन से सवाल? तो उसने बोला, हाय हाय 3 सवाल। पहला, इस आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा, इस धरती पर स्त्री और पुरुष अलग अलग कितने हैं? और तीसरा, इस धरती का मध्य कहाँ है, बीच? हाय हाय करके चुप हो गया। अब ये बादशाह ने सुना, बादशाह ने तुरंत बीरबल के पास खबर भिजवाई, आओ भैया। बीरबल पहुंचे, बीरबल बोले, हाँ जी महाराज। बीरबल के सामने रखी गई बात, बीरबल ने कहा, अरे क्या महाराज, ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप, वो जो किन्नर था उसका मुंह देखते बन रहा था, कि छोटी चीज है, बता तो जरा। तो बीरबल एक भेड़ लेके आया, ऊन वाली भेड़ लेके आया, और लाके उसको खड़ा कर दिया और बोला कि, अरे किन्नर से बोला, अरे इसके शरीर में जितने बाल है ना आसमान में उतने तारे हैं, गिन लो और मिलान कर लेना, फिर मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो एकदम वही है, जितने यहाँ हैं उतने वहां हैं, ठीक है? और जेब में से एक कीली निकाली और उसको वहीं नीचे गाड़ दिया। कहा, ऐसा है कि ये जो कीली है ना, यही धरती का मध्य है, अगर विश्वास नहीं होता तो तुम नाप लो, नाप के बताओ महाराज को, मेरे हिसाब से तो एकदम यही जहां गाड़े हैं यही पृथ्वी का मध्य है। और तीसरे सवाल का जवाब देने के पहले बीरबल हंसने लगे, बोले, महाराज क्षमा करें, हम एकदम सही सही स्त्री और पुरुष की गणना कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लोग किन्नर जो ना स्त्री में आते हैं ना पुरुष में आते हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है और ऐसी है कि हम सही गणना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कर दीजिए, जितने भी किन्नर हैं सबको मरवा दीजिए, हम एग्जैक्ट गणना आपको करके बताएंगे कि कितने स्त्री हैं कितने पुरुष। ये सुनते ही उस किन्नर के हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत पहुंचा, उसने बीरबल का पैर पकड़ा और उसने महाराज से कहा, महाराज आपके 9 रत्नों में बीरबल सबसे बुद्धिमान है, मैं मान गया, और हाथ जोड़ के वहां से चलता बना। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।